जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी राज दिल हमनवा गुआर जान से मार देती साला चीटिंग कर रहा हमारे साथ सही किया और मार दी तो राजू कहाँ है राजू कहाँ है भाई आज रेसिंग में भी नहीं था पता है राजू ने नया मोबाइल लिया है पूरे गांव को दिखाता फिर रहा है मोबाइल लिया है चल ठीक है इसको मैं देखती हूँ जाके तुम लोग जाओ मैं आती हूँ अरे खैर बात किधर है पता नहीं कहाँ गया है कहाँ गया है उसको पिछली फसल भी खराब की थी जमींदार ने मुझे कहा उसको निकाल दो मैं उसको एक बेगा भी जमीन का नहीं दूंगा सच बता किधर गया है क्या लेने गया है गुट क्या लेने गया है और पिछली साल उसका भाई मर गया था गुटके में अब बेटो बेटा गियर खराब है इसका ब्रेक लगा रुक जाओ बेटो गियर खराब है इसका ब्रेक लगाओ बेटो ब्रेक लगाओ गियर खराब है बाबा ब्रेक नहीं लग रहा ब्रेक लगाओ अल्लाह अल्लाह का शुक्र है चाचा ट्रैक्टर तो रुका वैसे एक बात मानो मैं पहले से गाड़ी अच्छी चला रही हूँ ना बेटा मैंने कितनी चीखें मारी पीछे से कि ब्रेक लगाओ गियर खराब है इसका एक दिन तू मुझे मार देगी अरे चाचा मेरे प्यारे चाचा तुझे कुछ नहीं होता देख सही सलामत सारे खड़े हैं ना यहाँ पे बेटा मुझे तो कुछ नहीं हुआ तू अपना ख्याल कर अल्लाह तुझे जिंदगी दे और वैसे शरारती है तू बचपन से बहुत अभी भी शरारती नहीं गई तुम्हारी चाचा मेरी फिक्र ना कर अभी मैं नहीं मरने वाली अभी तो बड़े सारे ख्वाब है अभी तो बहुत कुछ करना है अल्लाह तुझे जिंदगी दे बेटा झुक झुक जियो तुम्हारे ख्वाब पूरे
खैर तो है बेटो, आज तू मुझे आवाजें लगा रही है। तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। देख दूंगी अभी। अच्छा, सारे गांव में अपना मोबाइल दिखाता फिर रहा है। मुझे दिखा कैसे तेरा फोन। इतना बड़ा फोन। हाँ राजू, तस्वीरें खींचती है इसमें से। अब तेरी तस्वीरें बनाना बहुत सारी। तेरी तस्वीरें? हाँ हाँ, चल चल चल। आजा आजा, इधर खड़ी हो जा। यहाँ पे? हाँ हाँ। अच्छी लग रही हूँ मैं। जैसे कोई वो बिट्टो। इसको बड़ा कैसे कहते हैं? बिट्टो बोल ना, मैं सुन रही हूँ। मेरे साथ शहर चल ली है। क्यों? वो सनमगर चलेंगे, बड़ी रोमांटिक पिक्चर लगी है। तू देखेगी ना साथ, तुझे भी प्यार करना आ जाएगा। बेशर्म, तेरी इतनी हिम्मत, तू प्यार सिखाएगा मुझे? हिम्मत तो बहुत है पर तेरी मार खाने की नहीं है, अच्छी अच्छी बातें करने की तुझसे। आज से तू सोच के आया है कि मेरे हाथों तेरा कत्ल ही होगा। जूतियां ही मारती रही हो, कभी फूल पत्तियां भी फेंका कर। राजू ये पकड़, पहन ले, कुछ लग जाएगा पाँव में। और चूड़े, तुझसे प्यार करेगी मेरी जूती। राजू खुदा की कसम, आज मुझे दवाई ना लानी होती ना तो मेरे हाथों तेरी दुर्गत बनती अच्छी तरह। चुप, बात तो सुन ले। हाँ? बिट्टो बात। हाँ? चल। तार करेगा मुझसे। खुद को माजूर ना कहूं तो क्या कहूं शाजो, तुझ पे और तेरी माँ पे बोझ ही तो बन गया हूं मैं। हाय फरी, तो कितनी बदल गई है यार। बिल्कुल वो लग रही है तू फिल्म की हीरोइन। हाँ सिकंदर, क्या हुआ तुझे? तेरा सांस क्यों फूल रहा है? आज थक गया हूँ मैं। हकीम के पास बहुत लंबी लाइन थी। किसने कहा था अकेले जाने को? और बिट्टो को क्यों नहीं लेकर गए? वैसे तो बिट्टो के बड़े नाज उठाते हो तुम। अच्छा नहीं लगता शाजो, मर्द हो के बार बार बिट्टो को बोलो। बेचारी सारे काम तो कर देती है मेरे। तेरी बात अलग है शाजो, कब तक तू मेरा सहारा बनी रहेगी? अगर तू नहीं होती ना तो मैं भी जिंदा नहीं होता। देख सिकंदर, ऐसी मायूसी वाली बातें ना कर। तू जब मायूस होता है तो मैं थकने लगती हूँ। तू देखना, एक दिन तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किस मिट्टी की बनी है तू शाजो? एक माजूर आदमी से भी तेरा प्यार कम नहीं होता। देख सिकंदर, जब तू कमाता था सब तेरा ख्याल रखते थे, आज अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश का मौका दिया है तो
तो तुम अपनी आजमाइश को मिट्टी में डाल रहे हो। अच्छा अब ज्यादा चीख नहीं, बीवी है बीवी बन के जा, अब अपना काम कर। खुदा हाफिज़। ओहो सिकंदर, आराम से ध्यान से चला, यहाँ बैठ। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं अम्मा, पहले ही तूने इतना फैलावा कर रखा, क्या है ये सब? हवेली का खाना नहीं बनाऊंगी तो तेरी दवाइयों का खर्चा कहाँ से निकलेगा? इस तरह मेरी दी की मदद भी हो जाती है। तुम और शाजो बहुत करते हो मेरे लिए अम्मा, मेरा भी बहुत दिल करता है तुम लोगों की मदद करूं, लेकिन लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दामाद की सूरत में एक अपाहिज बेटा दे दिया ना। आए हाय, कैसी बातें कर रहा है तू तो सिकंदर? एक तरफ तू खुद को मेरा बेटा कह रहा है, दूसरी तरफ अपाहिज कह रहा है। देख सिकंदर, माँ को कितनी तकलीफ होती है जब उसका बेटा खुद को अपाहिज कहता है। शाजो आपा, शाजो आपा, शाजो आपा, क्यों चिल्ला रही है तू? तुझे पता नहीं है इस वक्त उसके काम का वक्त है? इस वक्त तू आ जाती है, किधर है? या कॉल कर उसे। खबरदार जो उसको किसी ने टेलीफोन किया तो। अगर तू उसके साथ काम में मदद नहीं करवा सकती तो मेरे साथ ही काम में मदद करवा दिया कर, पर नहीं, तुझे तो फिरने से ही फुर्सत नहीं है। अच्छा अम्मा बात तो सुनो। देख सिकंदर, तू अब इसकी हिमायत ना किया कर, और ना इसके लिए कोई लड़का देख और इसके हाथ पीले कर, इसको घर से रवाना कर, मैं कह रही हूँ। तू क्यों मुस्कुरा रहा है? शादी तो मैंने करनी नहीं, तुझे पता है। पता है, बहन है तू मेरी, सब पता है तू क्या कर रही है। अगर तुम लोगों ने मेरी शादी का सोचा भी ना तो तुम लोग तो छोटे में देखती नहीं है। अच्छा क्या बुड़बुड़ कर रहे हो तुम दोनों? अब कुछ नहीं अम्मा, अब गर्मी है, पानी दे दे। जी सर। सर वो फाइल में रेडी कर चुकी हूँ। नहीं सर, वो मैंने खुद आपकी टेबल पर रखी है। सर अब मैं इतनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जी थैंक यू। तौबा है, एक फाइल नहीं ढूंढी जाती। और ख्याल से खाना, ये इनसे दांत भी टूट जाते हैं पता है। तो रह गया ये यार। राजू इधर आ जल्दी। सबर कर ले, इतनी देर क्यों लगाई है? वो बस बोल। अब तूने कहा था ना फरी से बात कराए, बात करा। अरे अरे मिल गया, चल। फरी कैसी है तू? अरे फरी, हाँ नजर आ रही हूँ, हम आ रहे नजर। हाँ हाँ तुम सब लोग नजर आ रहे हो, वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो। हाय फरी, तो कितनी बदल गई है यार, बिल्कुल वो लग रही है तू फिल्म की हीरोइन रीमा, रीमा रीमा लग रही है तू फरी। ये बालों को क्या हुआ है? हाय लो फरी, तेरे बाल क्यों टेढ़े हो रहे? टेढ़े टेढ़े नहीं हो रहे, ये स्टाइल है। स्टाइल है, अच्छा है बड़ा। फरी हम सपने भी वान है, हम आ सकते? हाँ हाँ, ये शहर बहुत बड़ा है, तुम सब लोग यहाँ आराम से आ सकते हो। हाँ हम आएंगे। अच्छा चल फरी अपना, हमें देर हो रही है, अम्मा इंतजार करी बड़ी जूते लगाती है। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके हाँ हाँ जाओ, अल्लाह हाफिज। चल 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 चल।
जो दफा अब। छोटे साईं आ रहे हैं शहर से। मिठाई का थाल लेके जाऊंगी अपने साथ, लड्डू पे प्यार का मंत्र फूंक के इसका मुंह मीठा करा कराऊंगी। ये मेरे बस में कहां, ये मेरे बस में कहां। अम्मा मुझे नाश्ता बना के दे जल्दी। ये कोई तेरा टाइम है उठने का? दोपहर का वक्त हो रहा है, अब मैं तुझे नाश्ता बना के दूं? सारी रात तो बैठकर किताबें पढ़ती रहती है, आग लगा दूंगी किसी दिन तेरी किताबों को। अब मैं नाश्ता बनाऊं, तेरे मुंह में नवाले बना बना के डालूं? अंडे पराठे के अलावा मुझे नाश्ता होता नहीं है। अब वो क्या पक रहा है? तुझे इससे क्या, कुछ भी पके, दोपहर का वक्त हो रहा है, अब जो खाना बनेगा तू वही खाएगी। सुना तूने? देख बिट्टो मुझे तंग न किया कर, जा जाके अपना काम कर। अम्मा क्या है, बना देना नाश्ता। मेरा मैच है आज, क्रिकेट मैच। तू शर्म कर, बड़ी हो गई है तू, जा जाके अपना काम कर। बिट्टो, ए बिट्टो, बिट्टो, बिट्टो। हाँ हाँ आई आई यार। तू अब तक तैयार नहीं हुई, मैच शुरू होने वाला है। हो जाऊंगी तैयार, क्यों? सुन बिट्टो, मैच है, सलवार कमीज में नहीं पैंट शर्ट में आना। हाँ सही है सही है, ज्यादा बातें ना कर, चल निकल, मैं आ रही हूँ। शुक्र है तूने खाना खा लिया, वरना सारा दिन तेरी फिक्र लगी रहती है। क्यों करती है इतनी फिक्र? हजार दफा समझाया तुझे, देख खाना भी खा रहा हूँ और दवाई भी खा ली है मैं। हाय बिट्टो, आजा खाना खा ले, फिर हमारा दिमाग खाएगी। हाय बिट्टो, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? देख देख सिकंदर अपनी लाडली के काम, अल्लाह तुझे कब अकल देगा? जा जाकर कपड़े बदल ले। और ये सिकंदर के कपड़े तो नहीं है, तेरे पास कहाँ से आए? वो लड़का नहीं है राजू, वो लाया होगा, बड़ा ही नेक लड़का है। कोई अच्छा अच्छा नहीं है, मेरे चक्रों में आता है वो। क्या खरे, मैं भी खाऊंगी, भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगी। तू किसी के चक्कर में आएगी भला? चल छोड़, शाजो तू बता क्या चल रहा है आजकल हवेली में? हाय सिकंदर, गांव के सब लोग पागल हुए हुए खुशी से। ऐसे भी क्या बात है जो खुशी से पागल हो रहे हैं गांव वाले? तू सुनेगी ना तो तू भी पागल हो जाएगी खुशी के मारे। तुझे मैं खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। मुझे ना किसी की गमी में खुशी में पागल ही होना आता। मैं बिट्टो हूँ, सिर्फ अपनी खुशी में पागल होती हूँ मैं। छोटे साईं आ रहे हैं शहर से। चल मैं निकलती हूँ। ये खाना तो खा ले। नहीं खाना खाना, अब नहीं खाएगी वो खाना। पागल है पागल। चल शेर, चल 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 चल। अच्छा अंदर चलो।
साईं बाबा खैर हो जाए बाबा। चाचा ये हाथ इधर नहीं सर पर होने चाहिए दुआ के लिए। अल्लाह खुश रखो तांगे साईं। घर में सब खैरियत है? बड़ी सांस ले रहा हूँ साईं। चक्कर लगाऊंगा मैं। अल्लाह खुश रखेगा। वो गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है वो निकाल। हुकुम साईं हुकुम। बाबा गाड़ी सामान में साफ दो। तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे तुम जाओ। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? हवेली। क्यों क्यों? तूने तो कहा था कि वहां लोग खुशी से पागल हो रहे। लेकिन तुम्हें तो किसी की खुशी गमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तू अच्छी तरह जानती है कि मैं क्यों पागल। पागल मत बन बिट्टो। तू हारी की बेटी है और वो वडेरे का बेटा। इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देख। मेरी मर्जी मेरे ख्वाब है। मैं जितने भी ऊंचे देखूं। वो तो तुझे जानता पहचानता भी नहीं होगा कि बिट्टो नाम की कोई लड़की भी है। गलत कह रही है। बिल्कुल मेरा नाम तो उसकी धड़कनों के साथ पूछ ले। पागल तो नहीं होगी तू बिट्टो? वो तुझे देखेगा भी नहीं। देखेगा। देख बिट्टो तू वहां जाकर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। मिठाई का थाल लेके जाऊंगी अपने साथ। लड्डू पे प्यार का मंत्र फूंक के उसका मुंह मीठा करा कराऊंगी। तेरे ये मंत्र ना तेरी जान ले लेंगे। उसके प्यार में जान चली भी जाए तो समझूंगी के जी ली मैं। तू पागल हो गई। ये पागल देखेगा आज तो तू जरूर देखेगा। देखना पड़ेगा तुझे। अगर तुम छोड़ देंगे। तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। खुदा करे तुम सिर्फ मेरे। ये मेरे बस में कहाँ। ये मेरे बस में कहाँ। और हाँ मर्दों के बैठने का इंतजाम घर के बाहर टेंट लगा कर किया जाएगा और औरतें यहाँ और बाहर लॉन में बैठेंगी। ठीक है बेबी सहन सारा इंतजाम हो जाएगा। और हाँ एक बात का खास ख्याल रखना कि घर से कोई खाना खाए बगैर नहीं जाए वरना तुम जिम्मेदार होगे। आप फिक्र ना करें किसी चीज में कभी नहीं रहेगी। सजाओ तुम अब। ठीक है बेबी। देखिए बीबी साईं आपका दुपट्टा आ गया है। बहुत ही हड़ हराम हो गई है जुलेखा। ऐसे बेल लगाते हाँ कितनी बेढंगी लगाई है। जाओ जाकर उसे दो के दोबारा लगा के हड़ हराम कहीं के। वालेकुम सलाम। जानकी भाभी। वालेकुम सलाम। खैरियत से पहुंच गए तुम? जी पहुंच गए। मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो। देख लिया तुमने गांव का तो मंजर ही बदला हुआ है। जी देख लिया। खुश हो रहे थे सारे मुबारकबाद दे रहे थे लेकिन 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 क्या? हवेली का माहौल तो वही है ना भाभी। पता नहीं भाई को कब समझ आएगी कब ये खून खराबा बंद होगा। ये हमारे खानदान की शान है। पुश्तों से यही सिलसिला चला आ रहा है। जो कुछ पुश्तों से चलता आ रहा है जरूरी तो नहीं कि वो सही भी हो। पढ़ लिख के शहर वाले बन गए वैसी ही बातें करने लगे हो। सोच भी बिल्कुल वैसी हो गई है तुम्हारी। मैं तैमूर को मिलूं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ मुर्दारी भरी हुई है क्या हाथों में।
हर हराम भरे हुए हैं यहाँ सब लोग। बिट्टो तेरा फोन है। कौन है? फरी का फोन है शहर से। उसको बोल मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। बात कर ले, कोई जरूरी काम है। हाँ फरी बोल। सुनो, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें शहर आना है। हाँ नहीं नहीं, मुझे शहर नहीं आना, मैं गांव में बहुत खुश हूँ। चल ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ, मुझे हवेली जाना है। हाँ खुदाफिज़। अरे सुनो तो। क्या है फरी बोल। मेरे ऑफिस में ना एक बहुत अच्छी जॉब निकली है, तुम इंटर पास हो, कहो तो तुम्हारे लिए ट्राई करूं। तनख्वाह भी 8-10 हज़ार तो होगी। ना तनख्वाह चाहिए, ना 8-10 हज़ार रुपए, और ना नौकरी। अब मैं बंद कर रही हूँ फोन। तौबा है, कैसे बुरे तरीके से तूने उस बिचारी से बात की है। बाबा साईं कहते हैं चाचू गद्दी संभालने को तैयार नहीं, इसीलिए तुम्हारी 10 साल बंदी होगी। तुम खुश हो ना? माँ खुश है तो मैं खुश हूँ। बाबा कहते हैं बेटा तुम बड़े होकर। बड़े होकर बेटा तुमने वो सब कुछ नहीं करना जो बाबा करते हैं। बाबर बच्चा है वो, बच्चे के कान में ऐसी बातें मत डालो, बुजदिल बन जाएगा। जानदारों को आपस में लड़वा कर मरवा देना कहाँ की बहादुरी है भाभी। अच्छा तो तब आता है कि इंसान खुद मैदान में उतरे, खुद मुकाबला करे, उसे बहादुरी कहते हैं। अब कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ पूरा मुआवजा देते हम लोगों को, रोटी टुकड़ा देते, मुफ्त में नहीं करते वो हमारा काम। रिस्क देना अल्लाह के हाथ में है। हाँ वसीला आप लोगों को बनाया हुआ है उसने। देखो बाबर आज के दिन मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। भाभी मैं भी आपके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए लाया हूं। मेरे लिए? ये तो बहुत अच्छे कंगन है, मुझे अच्छे लगे। भाई से मिले हो? नहीं। जाओ जाके गले मिलो और मुबारकबाद दो उन्हें। इस वक्त वो जो कुछ करवा रहे हैं ना, वहशत महसूस हो रही है मुझे उस सब चीजों से। मिल लूंगा बाद में। आखिरकार खून ने जोश मार ही दिया ना, जो तुझे खींच कर हवेली तक ले आया है ना, यही बात है ना? जी वो तैमूर की दस्तार बंदी की मुबारकबाद देने आया। तुझे भी मुबारक हो, अब कल जाने के लिए तो नहीं आया ना? 2-4 दिन तो रुकूंगा। देखो जहाँ बेगम तुम्हारा शहरी देवर, हम देहातियों को अब टाइम भी नहीं देता। रहने दे, शहर में सारी जिंदगी गुजारने के बाद वापस तो इसने यही आना है। अच्छा है अपना शौक पूरा कर ले शहर में। चल चाय पीते हैं। जी। नरगिस नरगिस अंदर आ। खैर मुबारक बाबा, इस खुशी के मौके पर आप लोग मानी छानी खाओ, ठीक है? मंजूर? हेलो बाबा। चल ना, तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। खुदा करे तुम सिर्फ मेरे। ए छोरी,
What the hell? ये क्या बदतमीजी है, ये क्या जहालत है, ये कौन है, ये लड़की किसके साथ है? साईं वो मेरी बहन है। इसे लेकर जाओ और तमीज सिखाओ। जाहिल नहीं हूं मैं, जाहिल बोलती इसको तो मैं देख लूंगी। तो है दिल की जमीन, तू मेरा आसमान, तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहां। जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी, राज दिल हम नवा तू आरज़ू मेरी। एक दर्द को लिए निशानियां तेरी है मंजिल मेरी, है राज दिल है हम नवा तू आरज़ू मेरी। ये मेरे बस में कहां, ये मेरे बस में कहां। फिर क्या सोचा है, बुला लूं उसे? बुलाओ। नरगिस, ओ नरगिस इधर आओ। जाओ छोटे साईं को कहो के इधर आए। जी भाई, बुलाया आपने? बैठो जी। जमीनों की जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम्हारा मशवरा जरूरी था। भाई वो मुझसे आप कोई और बात करें प्लीज, ये जमीनों शमीनों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। वडेरों की शान होती है जमीनें जायदाद। अल्लाह आपकी शान बरकरार रखे। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि वो तैमूर का एडमिशन शहर के किसी स्कूल में करवा दूं मैं? बस तुमने पढ़ लिया, काफी है हमारे लिए। तो वो मेरा बेटा है, यहीं रहेगा, यहीं पढ़ेगा। तो कितना पढ़ लेगा? जितना उसके बाप ने पढ़ा है। हाँ तो कैसी गुजारी जिंदगी फिर? क्या मतलब है तुम्हारा कैसी गुजारी जिंदगी? बहुत शान से गुजारते हैं और बहुत शान से गुजर रही है जिंदगी। भाई अब वक्त बदल चुका है। बटेरों का वक्त हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन भाई बाबर, भाई से बहस मत किया करो, वो कुछ कह नहीं रहा मगर नाराज है तुमसे। क्यों क्यों? देखे अब पूछ रहा है कि क्यों नाराज है। बाबा दस्तारबंदी तुम्हारी होनी चाहिए थी मगर तुम तो अपनी जिद पर अड़े रहे। मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि तैमूर की दस्तारबंदी हो, लेकिन आप दोनों ने बस
बस। भाई प्लीज। बाबर हमेशा कड़वी बात करते हो तुम। बड़ा भाई है तुम्हारा, कुछ तो लिहाज करो। बाप बनकर पाला है उसने, लेकिन तुम तो जबान दराजी शुरू कर देते हो। मैं भी कितना पागल हूं, किन्हें समझाने बैठ गया जो ना खुद समझना चाहते हैं और ना ही आने वाली नस्लों को समझाना चाहते हैं। यही तो समझदार है, बाकी हम सब तो यहाँ बेवकूफ बैठे हुए ना। बड़ा आया समझदार। चाचा देख कितनी खांसी हो रही है तुझे, किस दफ़ा बोला है हुक्का ना पिया कर, फेफड़े सड़ा लिए तूने अपने। अच्छा मुझे बता, कोई काम है तो मैं कर देती हूँ, तू अपने पांव जमीन पे रखेगा, मैं बता रही हूँ। बोलती जाएगी बोलती जाए, तू बैठ जा, सारे काम हो गए हैं मेरे। बेटा बात तो सुन, तू इतने सारे काम हमारे कर देती है, कल कोई राजा आएगा तुझे ब्याह कर ले जाएगा तो फिर चाचा को भूल जाएगी तू, हमारे काम कौन करेगा फिर। कैसी बातें कह रहे थे चाचा। चाचा ये ले तेरी चाबी, तेरी दुकान खोल दी है और तेरा बेटा बैठा है वहाँ, और तेरे डायरेक्टर में ऑयल भी डलवा दिया है, परेशान नहीं हुआ, सुकून मेरा बिल्कुल। अल्लाह जिंदगी दे बेटा, मेहरबानी तुम्हारी। बेटू बेटा इसके लिए चाय तू बना कर ले आ। मैं ना चाचा ना रहने दे, ये बेमौसमी चाय नहीं पीनी मुझे। राजू देख मेरे मुंह ना लग अभी, अच्छा मुझे भी तेरे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, समझाई, चुप कर जा। अरे क्या हो गया बेटा, अरे लड़ो मत। बदतमीजी है ये, जाहिल कवार। साई बाबा गलती हो गई, माफ कर दे, बच्ची है। बात गलती की नहीं है चाचा, जाहिल है, जाहिल कभी अपनी जहालत नहीं छोड़ता। साई बिट्टो 10 जमाते पास है, पढ़ी लिखी है। 4 जमाते पढ़ लेने से कोई तालीम याफ्ता नहीं हो जाता, तरबियत देनी पड़ती है, वरना इंसान जाहिल का जाहिल ही रहता है। साई गलती से हो गया, ऐसे जानबूझ के थोड़ी कि खड़ी क्या देख रही, चल निकल जा। क्या कर रही है बिट्टो तू? माँ क्या हो गया? शहर जा रही हूँ, टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी, तूने घर से बाहर एक कदम भी निकाला तो। अम्मा क्या चाहती है तू? तू चाहती है तेरी बिट्टो घुट घुट के मर जाए? शहर तुम लोगों का बाल बाल मेरे कर्जे में जकड़ा हुआ है, पूरा खानदान भी मिलकर काम करे ना तो उतार नहीं सकता है। यार भागना चाहते हो तो ही दिल की जमीन, तू मेरा आसमान, तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहां। जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी, राज दिल हम नवा गुआर I'm not afraid to die.
मेरे बस में कहाँ।